नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ से रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का दिन है और जैसा कि हमने कहा था कि रक्षाबंधन को भी आपकी क्लास होगी, तो आज हम आपके सामने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं रक्षाबंधन स्पेशल में। देखिए, कहते हैं A little progress each day adds up to big result। इसका मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप यदि आप रोज लें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो रक्षाबंधन का दिन तो है, पर साथ में आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि एक महीने से भी कम का समय बाकी है, तो कुछ टाइम निकाल के पढ़ाई करें। और जैसे कि कुछ टाइम निकाल के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं ना, ऐसे ही आपको पढ़ाई चालू करनी रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है डे 4 अपना, 15 दिन 15 मैराथन का। और कौन सा? TSD मतलब टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का चैप्टर हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्या है, हम जानते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट का कन्वर्जन सीखते हैं। यूनिट का कन्वर्जन मतलब कि यूनिट को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे पहला है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है? आप जानते हैं 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं ना, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। अगर आपको आपको लिखना है 5 किलोमीटर में कितने मीटर, 5 किलोमीटर में, तो आप क्या करेंगे? 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 1000 गुणित 5 किसका गुणा करना है? 1000 मीटर का, क्योंकि 1 किलोमीटर में तो 1000 होते हैं, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर। अगर उल्टा कहें, मीटर को किलोमीटर में बदलना है ना, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। 1 मीटर, 1000 इधर आ गया, तो ये बताओ 200 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा? मीटर को किलोमीटर बदलते हैं ना, तो क्या होता है? 200 × 1/1000 मीटर। तो क्या करना है, गुणित क्या करना है? 1/1000। 1000 मीटर टोटल होते हैं 1 किलोमीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, उस 1000 में से कितना मीटर ले रहे हो? 200 मीटर ले रहे हो। ये क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया। तो मीटर को यदि बदलना है तो क्या करना है? गुणा करना है। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो गुणा करना है किसका? 1/1000 का। सिंपल सी बात है, 1/1000 का मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा, बस। चलो टाइम को देखो, टाइम का क्या होगा? हम क्या जानते हैं? 1 घंटे = 60 मिनट और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड नहीं हो जाते? तो आप बताओ 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? सर 1 घंटे में 60 मिनट और इस 1 मिनट में, ये 60 का तो 60 है, इस 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो कितना आएगा? 1 घंटे में कितना सेकंड आ गया? 3600 सेकंड आ गया। कितना सेकंड आ गया 1 घंटे में? 3600 सेकंड। अब देखो, यदि आपको मिनट को घंटे में बदलना है ना, किसको? मिनट को घंटे में बदलना है, तो क्या लिखोगे? 1 मिनट = 1 घंटे / 60। ये देखो, मिनट को घंटे में बदलना है, 60 नहीं चाहिए, तो 1/60 घंटे इसका गुणा कर लेंगे। मतलब यदि 20 मिनट बोला,
20 मिनट को घंटे में कैसे लिखेंगे? 20 मिनट को घंटे में, तो 20 बटे 60 और ये घंटे, 60 में से कितना ले रहे हो? 20 मिनट ले रहे हो, 60 मिनट में 20 मिनट ले रहे हो, 20 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट ले रहे हो, 1 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 में से 1 मिनट, 60 में से 20 मिनट, बस यही है आपका कन्वर्जन, किसका? टाइम का। अब देखते हैं अपन किसका कन्वर्जन, स्पीड का। स्पीड का कन्वर्जन क्या होता है ये देखो, स्पीड ना किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, इसको बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। एक किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। एक घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। तो 00 से 00 कैंसल, 5 2 5 2 18 कितना मीटर पर सेकंड? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो सुनो, किलोमीटर प्रति घंटे को बदलते हैं ना, किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो किसका गुणा करते हैं? 5/18 का। किसका गुणा करते हैं? 5/18। कब? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इस मीटर पर सेकंड को इसमें बदलते हो ना, तो इसका उल्टा कर दो, 18/5। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, 18/5। बस ये रट लो, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में 18/5। चलो अब इस पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है, मीटर पर सेकंड में लिखना है, तो क्या जानते हो? 720 लिखा है किलोमीटर पर आर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा नहीं करते, अभी तो बताया 18 × 36, 18 × 54, 18 × 72, 5 × 20, 200 मीटर पर सेकंड। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं? मीटर पर सेकंड को 255 दिया है, इसको 18/5 नहीं बोला हमने, किलोमीटर पर आर, 5 × 5 = 5, 18 × 18, 18 × 5 = 90 और 1 = 91 किलोमीटर पर आर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसको नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 कहीं छूट गया, नया टाइप है, इसको देखिए। एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड क्वेश्चन है, फॉर्मूले से रिलेटेड क्या जानते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां लिख लो स्पीड, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 240 किलोमीटर। टाइम आपको चाहिए, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल, 8 × 16, 8 × 24, टाइम इज इक्वल टू कितना आया? 30 आर, आपका राइट आंसर है, लेकिन आर घंटे में नहीं दिया। अब घंटे को किस में लिखा है? वो सेकंड में। आप क्या जानते हैं? 30 × 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड, ये हमने बताया है, तो गुणा कर लो भाई, इनका गुणा करोगे क्या आएगा? 6 × 12, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, 00 और 10 और इतना सेकंड आ रहा है, 108 के बाद 3 × 0 क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखो आया है 2018 के एग्जाम में,
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 108 किलोमीटर पर आर की चाल से चलने वाली बस 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालना है, हम दूरी बराबर क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी है 108, टाइम कितना दिया है 40 सेकंड। अब ये बताओ, ये किलोमीटर पर आर दिया है ना, और ये सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने में 5/18 का गुणा नहीं करते पर सेकंड। आप कहेंगे हाँ सर किलोमीटर प्रति घंटे को ना मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो आपने कन्वर्जन हमको सिखा दिया है। क्या कन्वर्जन है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, तो 5/18। मीटर पर सेकंड को इसमें बदलते हैं तो 18/5। तो चलो देखो, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल, 9 दूनी, अच्छा 18 पंचे 90, 18 छंग 5 छक्का 30, 4 तिया 1200। क्या 5 छक 4 तिया 1200 मीटर, 1200 मीटर दिया है क्या कहीं? 1200 मीटर तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा दिया है 1 किलोमीटर, और इसको क्या लिख सकते हो, 1000 मीटर प्लस 200 मीटर, आप सभी जानते हैं इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 किलोमीटर और ये 200 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये भी कन्वर्जन पे ही है रिलेटेड, लेकिन फॉर्मूले पे, बेसिक फार्मूला जो हमने आपको बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसको क्या लिखा जा सकता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, इसको आपको होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। क्या निकालना है, चाल, चाल निकालना है 3600 मीटर, ये मिनट 3600 मीटर, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये मिनट है, 12 गुणित 60 सेकेंड। क्यों 60 किया, 12 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है, ये तो मीटर पर सेकेंड में निकल रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकेंड को बदलते हैं तो 18/5 किलोमीटर पर आर। तो देखो इसको बदल रहे हैं, 18/5 कर दिया किलोमीटर पर आर। चलो अब सॉल्व कर लो, कितना 12 दूना 24 12 तिया 36, 12 तिया 36 00, 5 छक्का 30 300, कितना आया 18 किलोमीटर प्रति घंटे, आपका राइट आंसर है। इसको सेम क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे, मीटर और मिनट दिया है, मीटर और मिनट दिया है, किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, पीडीओ में आया है 2015 में, यही सेम क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को साथ में रखा। 600 मीटर यहाँ, यहाँ 3600 मीटर, 600 मीटर यहाँ, 12 मिनट यहाँ, 5 मिनट, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 से पहले आप देखें औसत गति क्या होती है, एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड निकाली जाती है दो तरीके से, दो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला टाइप है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो, दूरी समान हो। दूसरा है जब दूरी असमान हो, मतलब अलग अलग दूरी हो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो पॉइंट हैं, आप एक बार ऐसा गए S1 स्पीड से, ऐसा गए, ये आप ऐसे नहीं जा रहे इस तरफ, इस डायरेक्ट, इस ये वाली दूरी नहीं तय कर रहे, आप ए से बी ना ऐसे ही जा रहे हो इसी रोड में, और बी से ए आ रहे हो इसी रोड में। ये तो क्यों दर्शाया है, ये दर्शाने के लिए कि ये इस तरफ जा रहे हो S1 स्पीड से, और इस तरफ आ रहे हो इस तरफ S2 स्पीड से, जा इसी रोड में रहे हो, यही रोड में, यही रोड जो सीधी दिखी है ना, इसी में जा रहे हो। तो ये बताओ आने की दूरी और जाने की दूरी दोनों बराबर नहीं होगी, जाने की दूरी और वापस आने की दूरी बराबर होगी, तो दूरी क्या है, समान है, कांस्टेंट है। अब दूरी असमान हो, मतलब मान लो
ये वाली दूरी और फिर आप ये, यहाँ से ऐसा गए ये दूरी और फिर ऐसा गए ये दूरी। दूरी असमान है ना, अलग अलग दूरी है ना, तो इसका औसत चाल अलग तरीके से निकालेंगे। जब दूरी समान हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, S1 स्पीड से जा रहे हो और S2 से वापस आ रहे हो तो दो गुणित S1 S2, 2 S1 S2 जाने की चाल और वापस आने की चाल का गुणा गुणित दो बटे दोनों चालों का योग, सम ऑफ बोथ स्पीड। ये करते हैं तो एवरेज स्पीड निकल आती है। कब? जब दूरी समान हो। इसका फॉर्मूला नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये फॉर्मूला आपको हमेशा नहीं लगाना, हम आपको एक तरीका बताएंगे, उस तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, एकदम इजी आ जाएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से दिल्ली से जयपुर जाता है। ये दिल्ली है मान लो, यहाँ से वो व्यक्ति जा रहा है जयपुर, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, वापस आ रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये बताओ आप, जाता है जयपुर दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली वापस आता है, तो दूरी तो वही रहेगी ना, ये दूरी है, ये दूरी तो समान रहेगी, इस तरफ से नहीं गया, ऐसे ही गया है वो और ऐसे ही वापस आया है, तो दूरी तो वही है उसके लिए, आने और जाने में दूरी समान है, डिस्टेंस समान है, तो औसत गति एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, दोनों का योग, दोनों का योग, दोनों का योग, 6 × 24 दुना 48 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका राइट आंसर, 48 किलोमीटर। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हम एवरेज स्पीड निकालने का एक तरीका बताते हैं, सभी को इसी से सॉल्व करना है, क्यों करना है बताएंगे। आप लिखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसा लिख लो, चाल दूरी समय, एस डी टी इसी फॉर्म में लिखिएगा। स्पीड देखिए क्या दिया है, 40, 40, दूसरी स्पीड क्या है, 60, क्योंकि दूरी समान है, डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है ना, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, तो डी क्या है, कांस्टेंट, डी कांस्टेंट है। जब डी कांस्टेंट होता है, स्पीड निकाले हो ना, तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, आप क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम पढ़ाया है हमने, कितना आएगा, 120, एलसीएम ले लीजिए, उसी को क्या मान लीजिए, डिस्टेंस। फिर याद रखो क्या, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, बराबर है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लो, दोनों के स्पीड का एलसीएम, 40 और 60 का एलसीएम कितना, 120, 120, जाने में 120 किलोमीटर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आने में भी 120 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि दिल्ली से जयपुर की दूरी बदलने नहीं वाली, तो मान लेते हैं 120 किलोमीटर है, तो आने में भी 120 किलोमीटर होगा। टाइम क्या जानते हो आप, टाइम बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी कितना, 120, किसके स्पीड से चल रहा है, 40, 120 बटे 40, 120 बटे 40 कितना आया, 4 × 3 = 12, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 × 120, क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, स्पीड बराबर हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही जानते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 120 गोड़े दो नहीं है, 12 × 24, 120, 120, टोटल कितना डिस्टेंस आया, 240, तो कुछ नहीं, हमने एलसीएम निकाला, उसका 2 से गुणा कर दिया है, 240, बटे टाइम कितना लग रहा है, 5, तो 120 बटे 5 कितना आया, 48। सर पर आपने कहा है इस तरीके से बनाओ, इससे मत बनाओ, इससे तो आंसर जल्दी आ गया, दिक्कत क्या है इस तरीके में,
बताएंगे। बस ये याद रखो कि आपके पास कितनी स्पीड दी गई है, दो। मान लो तीन स्पीड दी गई होती तो, चार दी गई होती तो, उसका फॉर्मूला अलग है, सबका अलग अलग, कितने फॉर्मूले याद करोगे। तो इसलिए इस मेथड को याद रखो। क्यों? क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला रट लिया, दो के लिए ये फॉर्मूला, तीन के लिए दो स्पीड दी गई है तो ये फॉर्मूला, तीन स्पीड दी गई है तो दूसरा, चार दी गई है तो और। लेकिन इसके लिए आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। तो ये मेथड लगा रहे हो आप जब इसमें, तो इसमें भी लगा लो, क्योंकि दो स्पीड का अलग फॉर्मूला, तीन का लिए अलग, चार के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला से अच्छा है कि ये मेथड याद रखो। अब एवरेज स्पीड निकालना है, सभी में ये मेथड लगाना है, सभी में यही मेथड से लगेगा। आप देखिए सभी क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करते हैं। देखो, एक कार ए से बी इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। ए से बी जा रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आ गई ए से बी से ए कितने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ए से बी गई, बी से ए आई, तो डी तो कांस्टेंट है ना, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा। हम उस तरीके से बनाते हैं सर, एस डी टी 120 80, कितना आया एलसीएम दोनों का 240। डी को डिवाइड करते हो क्योंकि टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इतना है 12 × 24, 8 × 16, 8 × 24। देखो डिस्टेंस एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 240, जाने का आने का भी 240, तो 240 गुणे 2/5, 48/5, 5 × 45, 5 × 6, 96 किलोमीटर पर आर। अब देखो इसको उससे फॉर्मूले से बनाएंगे ना, सेम बनेगा 120 × 80 × 2/2, इन दोनों का योग 200, 12/8, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। दो स्पीड दी गई है तो इससे बना सकते हो। देखो जल्दी से आ गया, इससे आ गया जल्दी, लेकिन हाँ ये मेथड हर जगह यूज नहीं होगा, इसलिए इस मेथड को भी बताते जा रहे हैं। कुछ नहीं है, स्पीड लिखो, डिस्टेंस निकाल लो, एलसीएम, डिस्टेंस क्या होगा, जब डी कांस्टेंट हो तभी ये लगेगा, लेकिन डी कांस्टेंट है तो डी क्या होता है, स्पीड का एलसीएम, स्पीड का एलसीएम होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो अब यहां पे आओ, अब यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हो कैसे। तीन व्यक्ति गली में कुछ दूरी एक्स घूमते हैं, तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, तीनों बराबर दूरी घूमते हैं, कितनी दूरी एक्स दूरी घूमते हैं, उनकी चाल इतनी इतनी है, तो उनकी औसत चाल निकालिए। देखो अब तीन स्पीड आ गई तो आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, 2s1s2/s1+s2, लेकिन यहाँ स्पीड कितनी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कितनी स्पीड दी है, दो, दो, तीन स्पीड का अलग फॉर्मूला, चार का अलग, पाँच का अलग, इतने सारे फॉर्मूले तो याद नहीं कर सकते, तो इसी मेथड में आना पड़ेगा। कौन सा, स्पीड डिस्टेंस टाइम। स्पीड कितना है, 2, 3 और 4, तो 2, 3 और 4 लिखो, सबका एलसीएम 12, तो 12 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3 कितना आया, 12, 12, 12, 12 × 24, 12 × 3 = 36। डिस्टेंस का सम ये आ गया, इस टाइम कितना आया, 6, 4, 10, 3, 13, 13 × 26 कितना बचा, 26 चला गया, तो 10, 10/13 किलोमीटर प्रति घंटे। दो सही,
10/13 से डिवाइड किया, 13 दूना 26, 26 चला गया ना, बचा कितना 36 में 26 चला गया, तो 10/13 आपका राइट आंसर है, 2014-15 में आया है। इस मेथड से बनाइए, सारे क्वेश्चन बनेंगे। हमने एमसीक्यू वीडियो कराया है ना, उसमें भी इसी मेथड का यूज़ किया है। ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि तीनों एक्स दूरी घूमते हैं, डिस्टेंस यहाँ पे भी कांस्टेंट है। चलिए अब चार स्पीड आ गई, चार का फॉर्मूला अलग होगा, इसको अलग से याद रखेंगे क्या? नहीं, तो एक ही तरीका है। देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड कितनी है 80, 20, 40, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चारों व्यक्तियों की औसत चाल क्या होगी? डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? इन सब का एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? 240 टाइम कितना? 8 + 24 2 = 12 4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 टोटल डिस्टेंस कितना आया? 24 × 48 960 टोटल टाइम कितना आया? 12 × 6 = 18 19 + 20 = 21 डिवाइड कर लेते हैं। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 25 × 75 = 110 25 × 100 25 × 75 = 75 और 21 21 बचा 210, 25 × 8 = 200 10 + 10 = 25 = 100 38.4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका राइट आंसर है। कुछ नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं स्पीड के लिए, सबको जोड़ा डिवाइड कर दिया। देखो चार चाल दी गई थी ना, तो यहाँ पे है। चलो एक चीज़ हमको ये बताओ कि यहाँ तो डिस्टेंस कांस्टेंट लिया, क्यों लिया? सबकी दूरी बराबर ली, क्यों ली? यहाँ कहाँ बोला है? तो देखो चार धावक हैं, चारों दौड़ना स्टार्ट करते हैं, चारों दौड़ेंगे तो एक ही ट्रैक में दौड़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, चारों की स्पीड भले अलग अलग हो लेकिन दूरी तो चारों सेम दौड़ेंगे ना, क्योंकि एक ही प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। मान लो ओलंपिक में दौड़ रहे हैं, तो चार धावक हैं तो चारों कौन से 100 मीटर में दौड़ रहे होंगे, तो दोनों के लिए दूरी क्या है? चारों के लिए दूरी क्या है? 100 मीटर ही है। तो डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। इसलिए डी कांस्टेंट के केस में एवरेज स्पीड निकालना हो तो क्या लेते हैं? स्पीड का एलसीएम। ये बात याद रखनी है सभी को। चलो नेक्स्ट, एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज इतने वेग से उड़ता है। ये वर्ग है, इसके भुजाओं के साथ हवाई जहाज इतने में उड़ रहा है। हवाई जहाज ना ऐसे करके उड़ा और यहाँ से ऐसे चल लिया, फिर वो हवाई जहाज क्या किया? इस तरफ मुड़ गया, ऐसे चला, फिर वो हवाई जहाज क्या किया? इस तरफ मुड़ गया, ऐसे चला, फिर वो हवाई जहाज क्या किया? इस तरफ मुड़ गया। ये लो, उसकी स्पीड ये सभी में अलग अलग थी। कितनी थी? 200 यहाँ पे थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटा, सब किलोमीटर प्रति घंटा में है। इस तरफ जाता है तो कितनी थी? इस तरफ जाता है तो 400 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरफ जाता है तो कितनी थी? 600, और लास्ट में इस तरफ गया तो कितनी थी? 800 किलोमीटर। ये बताओ
वर्ग के चारों तरफ घूम रहा है, यहां से यहां 200, 400, 600, 800, तो हम ये जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो यहां से यहां की दूरी जितनी रही होगी उतनी यहां से यहां की दूरी रही होगी, उतनी यहां से यहां, उतनी यहां से यहां, चारों भुजाएं समान है तो चारों दूरी समान होगी। मतलब डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप क्या जानते हैं? एस डी टी स्पीड 200, 400, 600 और 800 कितना आएगा इसका एलसीएम? 2400। दो से डिवाइड कर दिया 12, चार पंचे 20, चार छंग 6, तिया 6 चौक 24, 8 दुनी 16, 8 तिया 24, टोटल डिस्टेंस कितना आया? 24, 9600 बटे 6, 4 10, 3 13, 12 25, डिवाइड किया 25, तिया 75, 21 बचा 25, 8 200, 10 बचा 100, 25 चौक 100, 384 किलोमीटर प्रति घंटे राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? सीजी टेट 2019 में ये क्वेश्चन आया है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बिना इसके आप ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, ये अप्लाई ही करना पड़ेगा। इसलिए हमने शुरू से आपको यही कंसेप्ट बताया है, फॉर्मूला से नहीं बता रहे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन आप बना लो उससे, लेकिन जब चार स्पीड आ गई तो क्या करेंगे? तो आपको यही आना पड़ेगा। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा तब भी ऐसे ही तरीके से बनाना पड़ेगा, तो उसी से बनाइए आप। बेस्ट तरीका हमने बताया है, आप बुक में देखेंगे ना तो अलग अलग तरीके मिलेंगे, कोई मतलब नहीं है। इस तरीके को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज स्पीड का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। अब देखो 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में, अगले 940 किलोमीटर, 650, 940 अलग अलग दूरी है, तो आप क्या जानते हैं? स्पीड डिस्टेंस टाइम। 650 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे में, और 940 किलोमीटर 10 घंटे में। आप क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखो कितना दिया है, हमको स्पीड की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस कितना दिया है? 650 और 940, 549, 9615 कितना? 1590। टाइम कितना है? 15 से डिवाइड कर दिया, 15 × 15, 15 × 0, 15 × 75, 15 × 96, 90, 106 किलोमीटर प्रति घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2017 पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, सेम वैसे ही बनाना है, औसत दूरी, औसत गति होगा। अच्छा, उसके द्वारा प्रति घंटे यात्रा की गई, प्रति घंटे यात्रा में औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी मतलब एक घंटे में कितना दूरी चला है, तो ये क्या होता है? ये तो स्पीड ही है ना, तो औसत दूरी बोल रहा है एक घंटे में, मतलब एवरेज स्पीड निकालो ये कह रहा है। एवरेज स्पीड निकालनी है, कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस 9.6 किलोमीटर कितने घंटे में? 3 घंटे में, फिर 4 घंटे में 7.2, फिर 5 घंटे में, फिर 8 घंटे में 15 किलोमीटर ये कहता है। तो चलो सॉल्व कर लो, हम क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड कितना आता है?
8 4 12 3 15 ये टाइम हो गया, 6 2 8 और 15 7 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31.8 divided by 15, क्यों? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये निकल लिया, स्पीड ये है, 15 दुना 30, 15 एकम 15, 15 दुना 30, 2.12 किलोमीटर, एक घंटे में कितना किलोमीटर, 2.12 किलोमीटर, बस यही आपका आंसर है। चलिए यही आपने निकाल लिया एवरेज स्पीड, 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, सर यहाँ पे स्पीड क्यों नहीं निकाला? अरे स्पीड हम निकालते ही नहीं, दिया जाता है तो लिख लेते हैं, लेकिन हमको ज़रूरत क्या है स्पीड निकालने के लिए? एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर लिया। चलो इसको आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे, 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की दूरियाँ इतने 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 से चलता है, तो स्पीड कैसे लिखेंगे? स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस लिखते जाओ पहले 2500, फिर 1200, फिर 500। किस स्पीड से? 500 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड दिया है, 400 किलोमीटर प्रति घंटे और 250 किलोमीटर प्रति घंटे। हमको टाइम निकालना है अब, क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। डिस्टेंस तो पता चल गया कितना, 3000 4000 4200, सबको जोड़ा 4200। टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालेंगे? 5 5 25, 4 3 12, 25 2 50, 5 3 10 2, 5 3 8 2 10, 420 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड आ गई, सिर्फ ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस है तो अलग अलग डिस्टेंस को लिख लो। अगर डिस्टेंस सेम होता तो इनका एलसीएम लेते। फिर से याद रखो, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का एलसीएम ले लेते हैं, डिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग डिस्टेंस लिख देते हैं। बस ये वाला देखो, रेलगाड़ी 12 मिनट तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या होगी? चलो पहले देखो क्या दिया है, टाइम दिया है और क्या दिया है, स्पीड दी है यहाँ पे, डिस्टेंस। स्पीड कितनी दी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 मिनट चल रही है, उसके बाद 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो औसत चाल, औसत चाल के लिए हमको चाहिए डी और टी। टी तो दे दिया, टी कितना है, 12 8 20 मिनट। हमको ये बताओ डिस्टेंस कैसे आता है? तो सर डिस्टेंस निकालते हैं अपन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ये है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम ये है 12 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड नहीं कर लेंगे, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो डिवाइड किससे करते हैं, 60 से, हमने बताया है ना, 12 30 दुना कर लो, 30 दुना 2 छंग, डिस्टेंस 6 आया। यहाँ पे स्पीड ये है 45, टाइम कितना है 8 बटे 60, नहीं करोगे आप? बोलेंगे बिल्कुल करेंगे, 15 3 45 15 4 4 2 3 2 6, ये भी 6 आ गया, ये डिस्टेंस 6 6 आ गया, 6 6 कितना हो गया 12, टाइम कितना निकला है 20 मिनट। 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे, डिवाइड किससे कर लेंगे? सर डिवाइड करेंगे 60 से, 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 20 दुना 40 20 3 60, 12 दुना 24 12 3 36, सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा। देखो बड़े प्यार से देखिए इसको क्या किया है, ये किलोमीटर प्रति घंटे, ये मिनट में, आप क्या जानते हैं
आपको हमने नहीं बताया हुआ कि सर यदि हमने ना कन्वर्ट किया, देखो यहाँ पे देखो, एक घंटे 60 मिनट में कितना घंटे, एक घंटे, तो एक मिनट में 1/60, तो 12 मिनट में 12/60, तो 30 मिनट में 30/60, 15 मिनट में 15/60, 29 मिनट में 29/60, तो सेम यदि वो कहता है 12 मिनट में कितना 12/60, 8 मिनट में कितना 8/60, 20 मिनट में कितना 20/60, 60 ऊपर चला गया। मिनट को घंटे में बदलते हैं तो 60 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है, बड़े प्यार से देखना, हम समझा दे रहे हैं, इसको आपको बनाना है। 270 किलोमीटर की यात्रा का कुछ भाग, 270 किलोमीटर चलना है, बस से तय करता है और कुछ भाग तय करता है कार द्वारा, ठीक है। इसमें से दूरी का 1/3 भाग 30 किलोमीटर घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसको तय कर रहा है, इस दूरी का 1/3 मतलब 27 का 1/3, 1/3 मतलब 3 निया 27, 90, तो कितना आ गया दूरी, ऐसा लिख लो, दूरी आ गई 90 किलोमीटर। टाइम कितना आया, टाइम निकाल लो, डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 90/30 करेंगे 2। फिर अगला कहता है यदि वह बाकी, देखो 270 में से 90 चल लिया डिस्टेंस बस से, तो कार से कितना किलोमीटर प्रति घंटे, 45, कार बच गई, कार से जाएगा बाकी 45, और जा कितना रहा है, बस से 90 चल लिया तो 180 से नहीं जाएगा, आप बताओ, तो ये कितना 45 × 90, 4, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है 270 में से, 4, 5, 6, 6 × 24, 6 × 30, 6 × 24, 30, 6 × 30, ठीक है, यही तो आ रहा है, 30, 45, 6 × 24, 30 × 6 = 35, 45 किलोमीटर प्रति घंटे आना चाहिए। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई है, यहाँ गड़बड़ हो गई है, देखिए 30 × 3 आएगा, 45 × 4 कितना आया, टोटल टाइम कितना आ गया 7। अब देखो, अब आंसर आ जाएगा 7 × 3 = 21, 6 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 4 × 4/7, 37 सहित 4/7 किलोमीटर प्रति घंटे ना इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हम इतना क्यों करवा रहे हैं एवरेज स्पीड बार बार, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसलिए बार बार हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा है भी नहीं। आप देखेंगे 19 क्वेश्चन में पहुंच गए, ज़्यादा से अधिकतर क्वेश्चन अपन ने क्या किया, 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज स्पीड के कर लिए हैं। अगर ये सारे ये वीडियो कर लिया ना, तो कभी भी एवरेज स्पीड से रिलेटेड या TSD से रिलेटेड इवन ये भी कह रहे हैं, कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अच्छे से इसको करिएगा। चलो, एक निश्चित यात्रा का 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटे, एक यात्रा का 1/4 25 किलोमीटर प्रति घंटे, 1/3 इससे, तथा शेष कितना बच गया 50। अब देखो, हमको जब भी ऐसा दिया रहे ना, हम इनका LCM ले लेते हैं, तो LCM कितना या 12, तो मान लेते हैं यही दूरी है, यही दूरी मान लेते हैं, हम यही कहते हैं ना, LCM ले लो, LCM लिया 4 × 3 = 12, यही दूरी मान लिया, इस दूरी का
एक बटे चार तो कितना तीन चला है, किस स्पीड से चला है, यह दूरी है, स्पीड दूरी तीन चला है, किस स्पीड से चला है, एक तिहाई को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, अच्छा एक चौथाई को 25, एक चौथाई को कितना किलोमीटर आया, तीन, इसको 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, अब जो एक तिहाई है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, एक तिहाई किसका, 12 का एक तिहाई कितना आ जाएगा, तीन चौक तो चार, अब ये बताओ बचा कितना है, शेष टोटल 12 था, शेष कितना बच गया, चार तीन सात, सात किलोमीटर चल लिया है 12 में से, तो बचा कितना, पाँच, इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो टाइम क्या आया, 3/25, 4/30 और 5/50, सॉल्व कर लो, ये तो कटने से रहा 2/15, 5/10, इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ो कितना आएगा, 3/25 को और 2/15 और 1/10, कितना आ जाएगा, 25 × 50, 25 × 75, 25 × 100, 150, 150 आ गया, 25 × 25, 6 × 12, 6 × 18, 15 × 10, 10 × 20 और अच्छा 25 × 75, 75 भी तो आ जाएगा एलसीएम, 75 नहीं आएगा इससे डिवाइड नहीं होता, 10, 15, 15 × 15, कुछ नहीं जोड़ रहे हैं, 15/150, 18, 20, 38, 38 और 10, 48, 5, 53 / 150, ये टाइम का योग आया, डिस्टेंस कितना है 12, 12/53 / 150, ये 150 ऊपर चला जाएगा, कितना आया, 15 × 30, 15 × 15, 18/53, 53 से पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 5 × 15, 1800/53, 1800/53 यहाँ पे दिया है, डायरेक्ट कटाने की ज़रूरत नहीं है, उसने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया है 1800/53, ये आपका राइट आंसर है, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस निकाला, स्पीड दी गई है, टाइम निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, बस, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, डी कॉन्स्टेंट का, डी कॉन्स्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी तक एवरेज स्पीड में देख रहे थे, अब डी कॉन्स्टेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसको अच्छे से समझिएगा, पूरा का पूरा टीएसडी इसी पे डिपेंडेड है, दो कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट कर लिया, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट है। देखो कोई व्यक्ति है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, दूरी कितनी होगी डी, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है एस वन स्पीड से, उस बी पॉइंट से ए पॉइंट वापस आ गया इस स्पीड से, हमको ये बताओ कि क्या दूरी बदलेगी, जब ऐसे गया तो दूरी वही थी, वापस आया दूरी वही है, बस स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, डी कॉन्स्टेंट है, आप क्या जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कॉन्स्टेंट हो गया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्पीड यदि बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, यदि स्पीड घट जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उल्टा है ना, स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा है, स्पीड 1/t है, कैसे सोचो, बहुत तेज दौड़ोगे, ज़्यादा तेज दौड़ोगे, स्पीड बढ़ा लोगे, बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगी तो टाइम कम लगेगा, यहाँ से दिल्ली जाना है मान लो, आप जा रहे हो धीरे 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 साइकिल में,
स्पीड कम होगी साइकिल में, टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर आप जा रहे हो कार में, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी लेकिन तो टाइम थोड़ा कम लगेगा। ट्रेन में गए और तेज स्पीड तो काम टाइम और कम, प्लेन में गए स्पीड बहुत तेज एकदम कम टाइम, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं तो टाइम कम, स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा। कब कब? जब डी क्या हो, कांस्टेंट हो, डी कांस्टेंट हो। तो याद रखिए क्या होता है, स्पीड का रेशियो टाइम में चेंज हो जाता है। कैसे कैसे बोल रहे हैं देखो, कैसे ध्यान देना। हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है जब वो जाएगा ऐसा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस वन टी वन, टी वन स्पीड से मान लो चल रहा है, और जब वापस आएगा तो डी इज इक्वल टू एस टू टी टू टाइम लगेगा। एस टू स्पीड से जा रहा है ना तो टी टू टाइम लग रहा है, ये दोनों तो बराबर है, डिस्टेंस तो बराबर है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा, आप ही बताओ। ये तो ऐसा हो जाएगा सर, एस वन टी वन इज इक्वल टू एस टू टी टू, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है और ये दोनों बराबर हैं। तो स्पीड का रेशियो क्या आया, स्पीड का जो रेशियो है एस वन एस टू, एस टू इधर ले आए बराबर टी टू टी वन, ये नहीं आ गया, आप बताओ। तो क्या आया, स्पीड का जो रेशियो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है टी वन टी टू में, क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, कोई व्यक्ति मान लो एस वन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एस टू है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये बताओ स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है। आप बोलेंगे 60 और 40, हम यूनिट नहीं लिख रहे, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं लिख रहे, तो डी तो कांस्टेंट है आने जाने में, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब ये 40 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, स्पीड का जो रेशियो था वो टाइम में चेंज हो गया, 60 इधर 40 इधर। कब, जब क्या हो, डी कांस्टेंट हो, डी कांस्टेंट है तो, यही तो ये बता रहा है स्पीड का रेशियो टाइम में क्या हो गया। एक्सचेंज देखो, ये इसका टाइम है एस वन, टाइम टू है, जो स्पीड वन है ना वो दूसरे का टाइम है, दूसरे का, ये पहला व्यक्ति ये दूसरा, स्पीड जो वन है स्पीड एस वन वो दूसरे का टाइम है, एस वन दूसरे का टाइम है, एस टू जो स्पीड दूसरे की, स्पीड दूसरे की जो स्पीड है वो पहले का टाइम है, स्पीड दूसरे का, दूसरे की स्पीड पहले का टाइम, पहले की स्पीड दूसरे का टाइम, बस यही बात है। अब देखो जब भी ऐसा होना, ये तो दिया गया है स्पीड, स्पीड को कैंसल नहीं करते, इसका रेशियो ले लेते हैं बस, इसका रेशियो, जब कन्वर्ट, जो कन्वर्ट होता है उसका रेशियो लेते हैं, जो दिया गया रहता है उसको नहीं, इसको कैंसल नहीं करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के बाद टाइम में आया, इसका रेशियो लेंगे 20 दुना 20 दिया, तो कितना आ गया, 2:3। इसको नहीं कटाएंगे क्योंकि ये तो दिया गया है, जो निकाला है ना वहां से उसका रेशियो लेते हैं अपन, तो कितना आ गया, 2:3। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्या, जब डी कॉन्स्टेंट हो स्पीड का रेशियो चेंज हो जाता है, किससे कैसे, किस में चेंज होता है, टाइम में, और कैसे, ऐसे बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, और जो दिया गया होता है उसको नहीं कैंसिल करते, इसको कैंसिल करते हैं, चेंज करने के बाद कैंसिल करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नया टाइप है। टोटल इस चैप्टर में हम आपको 40+ क्वेश्चन कराने वाले हैं, 45 क्वेश्चन लगभग लगभग होंगे।
एक निश्चित दूरी को तय करने में ए तथा बी को लगे समय का अनुपात इतना है। ए और बी को निश्चित दूरी को, ए और बी ना, ए भी यहीं से चल रहा है, बी भी, ए ऐसा गया एस ए स्पीड से, बी ऐसा गया एस बी स्पीड से, दूरी तो वही है ना दोनों के बीच में, दोनों के बीच में दूरी वही है, तो समय का अनुपात कितना है? डी कांस्टेंट है यहाँ पे, क्या कांस्टेंट है? डी कांस्टेंट है सर, डी कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, जो दिया गया होता है यहाँ इस केस में क्या दिया है, समय 3:4 समय है। ए की गति बी के गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, जो दिया गया होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, टाइम दिया है तो स्पीड में इंटरचेंज करेंगे, तो ये 4 और ये 3, ये ए है ये बी, जो दिया गया होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यहां स्पीड दिया था तो टाइम में बदल लिया, यहां टाइम दिया है तो स्पीड में बदल लिया, जब डी कांस्टेंट है तो ये रेशियो क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब देखिए क्या कहता है, ए की गति बी की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, ए की गति बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, एक यूनिट अधिक है और किलोमीटर में कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या पूछा है, बी की गति ज्ञात करें, बी की गति है कितनी, 3 यूनिट, 20 × 40, 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका राइट आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो पूछता कि ए की स्पीड निकालिए तो क्या करते, 4 × 8 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड आ जाती दोनों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की चालों का अनुपात ये है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ए अपनी सामान्य गति की दूरी से यात्रा करे तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा ये कह रहा है बस, तो ए और बी की चालों का अनुपात कितना है, 2:3, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, ए तथा बी की चालों का अनुपात इतना है, एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी कोई दूरी है उसको ए भी तय कर रहा है बी भी, दोनों सेम दूरी तय कर रहे हैं, तो डी क्या हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया, तो यहां पे भी लिखो, हर नोट्स में हर जगह लिखते जाना क्या कांस्टेंट है, तो यहां पे डी कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम में चेंज हो जाएगा। ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, ए एक यूनिट अधिक ले रहा है, यूनिट में एक यूनिट अधिक लिया, एक यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो ए को कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट लग रहा है, 10 × 30 मिनट, 30 मिनट आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक 2 साइकिल सवार बराबर दूरी को, बराबर दूरी को, बराबर दूरी को, कांस्टेंट डिस्टेंस है, देखो एक कंसेप्ट और देखो, जब भी डी कांस्टेंट होना, चलो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, डी कांस्टेंट है, कैसे पता चला, बराबर दूरी है, तो आपने क्या सीखा है इसमें, जो स्पीड का रेशियो होता है, पहला साइकिल सवार दूसरा साइकिल सवार कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा 20, इसको कैंसल नहीं करते, जो निकाला जाता है स्पीड से टाइम निकालते हो इसको कैंसल करते हैं,
कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1:2, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 2:1। चलो, यदि दूरी का तय करने में दूसरे को पहले से 25 मिनट कम लगता है, दूसरे को पहले से कितना कम लग रहा है ये बताओ, टाइम कितना टाइम कम लग रहा है। तो आप कहेंगे सर पहले से 1 यूनिट कम लग रहा है और मिनट में कितना लग रहा है, 25 मिनट, यही बात है ना, 25 मिनट कम लगता है। तो तय की गई दूरी निकालें, हम क्या जानते हैं दूरी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। दोनों से स्पीड, ये स्पीड है, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ये स्पीड है। तो टाइम कितना है 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 × 50 मिनट। मिनट में दिया है, ये घंटे है, घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे और ये घंटे लिख लेंगे इसको। देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 × 6 = 48, 48.6 × 12, 6 × 3 = 18 किलोमीटर, 8.33। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें, ये 25 मिनट कम लगा है, ठीक है, 25 × 50, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि हमने डेटा सही नहीं लिखा, ये 10 है और ये 20 है, एक बार और देख लो इसको। चलो 10 है और ये 15 है, तो 5 × 15, 5 × 10 कितना आएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट कम लग रहा है, 25 मिनट कम लग रहा है। अब फिर से देखो हम क्या जानते हैं, अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू 25 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 25 × 75 मिनट कर लो, और ये 25 × 50 मिनट, टाइम इतना लग रहा है। चलो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम कितना लगा है 75 मिनट, 75 मिनट लगा है, घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे। चलो कितना आएगा, 6 × 6 = 6, 6 × 12, 6 × 5 = 30, 12.5 किलोमीटर। देखो ध्यान से, आपने ना ये वाली स्पीड ली तो ये वाला टाइम लेना था, ये वाली स्पीड लेते तो क्या होता, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, उससे रिलेटेड टाइम है 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 2 यूनिट की वैल्यू 50, 50 मिनट बटे 60, 15 × 3 घंटे से घंटा कैंसिल, 15 × 3 = 45, 15 × 4 कितना आ गया, 12.5 किलोमीटर। यहाँ से भी 12.5, क्यों से दोनों से सेम आ रहा है, क्योंकि क्या है डी, क्या है कांस्टेंट है, डी क्या है कांस्टेंट है। अब सुनो एक फॉर्मूला हम आपको लिखवा रहे हैं, बड़े प्यार से देखते जाइएगा, जब भी डी कांस्टेंट हो, जब भी डी कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, डी इज इक्वल टू S1 S2 / del S इंटू डेल टी। डेल क्या है, डेल क्या है, डेल मतलब होता है चेंज, डेल मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो चलो इस फॉर्मूला को यदि लगाएं तो क्या होगा, स्पीड क्या है 10 और इसकी क्या है 15, दोनों का 10 × 15
दोनों चेंज, चेंज या डिफरेंस, दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है? 5। टाइम में डिफरेंस कितना है? दोनों में कितना डिफरेंस है? चेंज या फिर डिफरेंस कर लो डेल को, डिफरेंस कितना है? 25 मिनट। 25 मिनट, मिनट में आया, घंटे में बदलो 60। 5 3 15, 30 2 60, 25/2 कितना आ गया? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे डायरेक्ट। अच्छा, ये किलोमीटर में आएगा क्योंकि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू। कब लगाना है लेकिन? क्या डी क्या हो? कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला डी का आप लगा सकते हो। तो डी कांस्टेंट में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, ये तो है ही है। एक फॉर्मूला और यहां पे नोट करें, क्या होता है? S1 into S2 upon del S into del t, जहां पे डेल एस क्या है? ये जो डेल एस है ना, यहां लिख देते हैं, डेल एस क्या होगा? डेल एस हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, चाल का अंतर। डेल टी क्या हो जाएगा? डिफरेंस ऑफ टाइम। चलो, ये हमने आपको बताया यहां से, ये देखो, ये पूरा का पूरा इस कंसेप्ट पे बन जाएगा। चलो नेक्स्ट, उसके द्वारा तय की गई दूरी, कब? दो साइकिल सवार बराबर दूरी को। डी कांस्टेंट है और दूरी पूछा है, हमको पता है फॉर्मूला, डी कांस्टेंट है सर, और डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस होता है S1 S2, 12 × 9 बटे दोनों का डिफरेंस 3, और कितना मिनट? पहले साइकिल सवार को जितना टाइम लगता था उससे 30 मिनट अधिक लगता है, 30 मिनट अधिक लगता है, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 30 मिनट आया। मिनट को घंटे में बदलेंगे, कितना आया? 0 से 0, 3 से 3, 6 × 9, 9 × 2, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है। देखो, उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चंस में और इसकी अप्रोच में। चलो, इसको यदि रेशियो मेथड से बनाना चाहें तो क्या होगा? कुछ नहीं, वही आंसर आएगा। स्पीड का रेशियो कितना है? 12 और 9, तो हम जानते हैं टाइम का रेशियो 3 × 9, 3 × 4 = 12, कितना अधिक लगता है? 1 यूनिट, और मिनट में कितना है? 30 मिनट। हम डिस्टेंस जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 9, टाइम उससे रिलेटेड है 4, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 30 यूनिट की वैल्यू 4 × 30, लेकिन मिनट में है इसलिए घंटे में बदलेंगे, 30 × 2 = 9, 9 × 2 = 18 किलोमीटर। सेम लग रहा है, सेम है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपको दोनों मेथड आनी चाहिए। क्यों? कुछ क्वेश्चन दूरी बस इससे निकलेगी, टाइम नहीं निकलेगा, टाइम के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो दूरी निकालने के लिए बेस्ट मेथड वो है फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी यातायात के कारण एक व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर 30 मिनट की देरी पहुंचता है, क्योंकि वह अपनी सामान्य चाल की 7/9 गुनी चाल से ही गाड़ी चला सका। देखो क्वेश्चन समझो, एक व्यक्ति है, ये उसका घर है, होम,
यहां से उसको जाना था अपनी ऑफिस। रोज जिस स्पीड से जाता था अगले दिन एक दिन उस स्पीड की 7/9 चाल से चल रहा है। सबसे पहले मान लो एक चाल से चलता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसका 7/9, तो 7/9 लो। नहीं आया समझ में आएगा, अभी नहीं आया ये चाल को छोड़ो, ये बताओ घर से ऑफिस की दूरी वही होगी रोज, जब आज घर से जाएंगे ऑफिस और कल घर से ऑफिस गए, परसों घर से ऑफिस गए, 10 दिन बाद गए, तो घर से ऑफिस की दूरी तो रोज वही होगी ना, रोज सेम होगी। तो डी कांस्टेंट है, ये लिखा नहीं है कि कहीं डी कांस्टेंट है, बराबर दूरी चल रहा है ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ये आपको समझना है क्योंकि घर से ऑफिस की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी, रोज वही होगी। ठीक है, अब देखो तो स्पीड जब नॉर्मल स्पीड नॉर्मल टाइम में चलता था, नॉर्मल और न्यू स्पीड, नई मतलब आज की, देखो मान लेते हैं वो स्पीड चलता था एक यूनिट, तो नई स्पीड क्या आ गई, सामान्य चाल नॉर्मल स्पीड का, नॉर्मल का 1/7/9। तो 7/9 नॉर्मल का 7/9, एक का 7/9 कितना आएगा, 7/9 ही आएगा। अब जब भी ऐसा दिया रहे ना, हमको बटे में नहीं पसंद, तो ये 9 को ना इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो कितना आया, पहले 9 था अब कितना 7। नहीं आई बात समझ में, देखो यदि कहता नॉर्मल का 5/12 तो हम क्या करते, नॉर्मल को 12 लेते, नॉर्मल को नीचे वाला लेते, तो नॉर्मल नॉर्मल का 5/12, 12 से 12 कैंसिल, कितना 5 आ गया। तो हमेशा जिससे जो बोलता है ना, सामान्य का 7/9, सामान्य से कंपेयर कर रहा है, इसको सामान्य ले लो, सामान्य को 9 ले लिया, ये 7 ले लिया, और दूसरे तरीके से नहीं, तो वो तो बताया ही है। नई चाल जो है वो 7/9 है, 9 है, 9 नहीं पसंद, 9 इधर ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। तो ये बताओ अगर बोलता 27/19 तो 27/19 ना नई चाल है, किसकी, सामान्य की 27/19, तो 19 को इधर ट्रांसफर कर दिया, बस यही चीज है। चलो तो सामान्य की 7/9 नई चाल है, तो 7 यदि ये है तो 9 ये है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो 7:9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कितने देरी से पहुंच रहा है, नॉर्मल स्पीड से चलता तो इतने टाइम में पहुंचता, लेकिन नई चाल ये हो गई, लेट पहुंचा, दो यूनिट लेट पहुंचा, टाइम में कितना 30 मिनट लेट पहुंचा, 2 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, तो 1 मिनट 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट नहीं आ जाएगी, आप बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी सर। तो उसकी यात्रा का सामान्य समय ज्ञात करें, यात्रा का नॉर्मल टाइम 7 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 × 96 15 × 7 = 105 मिनट, लेकिन वो कहता है कि इसको घंटे और मिनट में बनाओ, तो 105 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट प्लस 45 मिनट नहीं लिख सकते, 60 मिनट को क्या लिखते हैं, घंटा, तो क्या आया 1 घंटा 45 मिनट, राइट आंसर है, कहाँ पे है 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। चलो देखो ये भी डी कांस्टेंट का है, लेकिन यहाँ डी वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्या, डी वाला नहीं, क्योंकि टाइम पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं निकाल सकते हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बना लेंगे क्या,
होमवर्क है आपका, हम बता रहे हैं सिर्फ, या सब बता देते हैं क्या आएगा, नॉर्मल और न्यू, 9/13 तो 9 ये लिया 13 ये, टाइम क्या आ जाएगा 9 से 13 कितना ज़्यादा लग रहा है 4 यूनिट, चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंच रही है, 39 घंटे में पहुंच रही है 4 यूनिट की वैल्यू 39। तो क्या पूछा है, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। अच्छा 39 घंटे में पहुंच रही है, लेट नहीं पहुंच रही, 39 घंटे में पहुंच रही है, इतनी गुना से चाल से चलती है ना, तो 39 घंटे में पहुंच रही है, पहुंच कितने देर में रही है 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू 39 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 13 × 26, 13 × 3 = 39। क्या पूछता है, यदि वास्तविक चाल से चले ठीक है तो कितना समय बचाएगी, वास्तविक चाल ये है, ये वास्तविक चाल, ये समय है, कितना बचा रही है, 13 में पहुंची, 9 में पहुंचती यदि अच्छे से चलती नॉर्मल स्पीड से तो 9 में कितना बचाई 4 यूनिट, इसी की वैल्यू निकालनी है, 4 × 3 = 12, 12 घंटे बचा लेगी, 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, या फिर आप ऐसा कर लो, एक यूनिट की वैल्यू 3 तो 9 यूनिट की, 9 × 3 = 27, ये कितना देर में पहुंचा रही है 39, दोनों का डिफरेंस कितना आया 12 घंटा बचा ली, या इससे अच्छा हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना यूनिट तो बचाएगी ना, यूनिट में इतना बचाएगी, और टाइम कितना निकलेगा, एक यूनिट की वैल्यू 3 घंटे तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 घंटे, आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया टाइप है, अब देखो परसेंट में, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति इतनी बढ़ाता है, इसकी वैल्यू परसेंट में क्या हो जाती है 5/6। अब कोई व्यक्ति है वो अपनी चाल इतनी बढ़ा रहा है, 6 से 5 बढ़ा दिया तो कितना पहुंच गया 6 × 5 = 11, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, टाइम में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, ताकि क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, 11 से 6 कितने की कमी 5 की, कहाँ से 11 से, तो चलो कितना आया इनटू 100% कर लो, 9 × 5 = 45.45 आपका राइट आंसर है। क्यों डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक व्यक्ति है यहाँ से यहाँ जा रहा है, जाता है रोज रोज जाता है रोज, लेकिन आज जिस स्पीड से जाता है आज उससे स्पीड बढ़ा दिया उतनी, अरे तो डिस्टेंस तो उतना ही है ना, कल भी जितना गया था उतने ही डिस्टेंस था, आज जितना गया है डिस्टेंस उतना ही है, बस स्पीड बढ़ाया है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस कितना आया है, D = S × T, स्पीड इंटू टाइम, तो 6 × 11 = 66 दोनों में कांस्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क है भाई, ऑफिस से घर जाते समय खराबी आ गई, सामान्य समय से अधिक टाइम लगा, समय दिया है, समय इसकी वैल्यू 1/6, सामान्य समय मान लो 6 है तो अधिक लगा तो 7, तो स्पीड में कितने की कमी हो गई 7 से 6, क्यों, क्योंकि ऑफिस से घर जाता है, सामान्य टाइम में भी ऑफिस से घर दूरी वही होगी जो अभी हो रही है, ठीक है, सामान्य गति से उसकी गति सामान्य गति से कितनी कम है, कितनी कम है, 1 कहाँ से 7 से, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, परसेंट निकाल लेना ना, 1/7 × 100% करके परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट हमने पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा एकदम जरूरी है, मस्ट है, उसको पढ़िए, 4-6 पार्ट में परसेंट का वीडियो रिकॉर्ड किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैसा ही है,
एक निश्चित दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, एक निश्चित दूरी को, तथा इतने की चाल से वापस आ जाती है, वापस 60 से आ जा रही है। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक दूरी को इससे जा रही है, इससे आ रही है वापस, तो दूरी तो वही रहेगी, दूरी वही रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये कितना आया, 20 दुना, ठीक है, टाइम का। आने जाने में कुल 8 घंटे का समय लग रहा है। आने जाने में कितने घंटे का समय लग रहा है, 5 यूनिट का, और लग कितना रहा है उसको, 8 घंटे। एक यूनिट की वैल्यू, 8/5 घंटे। तो क्या पूछा है, कुल दूरी, दूरी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। टाइम कितना आ गया, 3 यूनिट ले रहे हैं ना, एक यूनिट की वैल्यू ये, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 8/5 घंटे, घंटे से घंटा कैंसिल, 5 × 8 = 40, 8 × 8 = 64, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 192 किलोमीटर। तो कुल दूरी, आने जाने में तय की गई दूरी, आने जाने में तय की गई दूरी, देखो ये तो जाने की दूरी ही होगी, ये जाने की दूरी है, ये जाने की दूरी है भाई, एक दूरी आ गई, इतनी दूरी गया है वो, ये अब ये वापस भी तो आएगा, ये जाने की दूरी आ गई, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 2 से और गुणा कर दो, तो 192 किलोमीटर × 2, 19 × 38 किलोमीटर।